शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व माता शीतला के पूजन से संबंधित माना जाता है। शीतला सप्तमी का पर्व संतान प्राप्ति और संतान के सुख के लिए किया जाता है। शीतला माता के व्रत में और उनके अनेक पूजन में बासी और ठंडा भोजन करने का नियम होता है। इस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन ही भोग स्वरूप लगाया जाता है। माता शीतला अपने नाम के अनुरूप ही शीतल है। ऐसे में इनका पूजन करने से जीवन में मची हुई कोई भी उथल पुथल एवं अशांति दूर हो जाती है और शांति शीतला का वास होता है। बैठमा में शीतला सप्तमी पर सोमवार मंगलवार धनवी यानी रात से ही बड़ी संख्या में महिलाएं माता मंदिरों में पूजन के लिए पहुँचने लगी। मुख्य पूजन नगर के गलगोया क्षेत्र स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में महिलाओं द्वारा किया गया। पूजन के इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए शीतला माता से प्रार्थना करती हैं। इस दौरान बैठमा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। चैत्र मास में होली के बाद शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन चौराहे पर भी जल चढ़ाकर पूजन करने का विधान है। इस दिन खास तौर पर महिला व्रत रखकर माता मंदिरों में पूजन के लिए पहुंची। शीतला सप्तमी महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इस दिन पूरा परिवार ठंडा भोजन करता है। इस दिन माँ शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से छुटकारा मिलने के साथ लंबी आयु का वरदान मिलता है। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।